हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि फुल मून है तो मोनोलॉजी से मैं आज गाइडेंस लूँगी मेरे व्यूवर्स के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, और मैं ये भी देखूँगी कि आप दोनों के इमोशंस कैसे हैं। हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है इमोशंस मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर्स का, प्लीज़ गाइड कर दें। दिस इज़ माय लास्ट शफल, कट द कार्ड्स। हमेशा आपके पार्टनर ज़्यादा लेने के पीछे पड़े रहते हैं, कभी दे भी दिया करो। आपके तरफ आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, देखते हैं मेरे व्यूवर्स बैलेंस्ड हैं या इम्बैलेंस्ड। 1, 2, 3, 4 आपके पार्टनर्स की तरफ आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डेफिनेटली हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज हों या किसी तरह की परेशानियों से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं किसी सिचुएशन से। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, लिब्रा। ओके, आपके पार्टनर की तरफ है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीज करना है आपके पार्टनर्स को। इमोशंस आर रनिंग हाई, इनकी एनर्जी हो सकता है आप लोग भी पिक करें। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगें, बहुत ज़्यादा फियर में आ जाएं, बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लगें, तो आप समझ जाना कि ये इनकी एनर्जी है ना कि आपकी, क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड हैं। प्राउड ऑफ यू ऑल, आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पावर में हैं। दुनिया देख रही है कि आप कितने पावरफुल हो, अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है। फाइनेंशियली और मेंटली भी आपने अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है। आपको जो जवाब चाहिए वो आपको मिलने वाला है, राइट? आप जो भी जवाब चाहते हैं अपने पार्टनर से बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग बैलेंस्ड होते हुए भी अगर इमोशनल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील करते हैं, तो आप समझ जाना कि ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी है, क्योंकि इन्हीं के कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कुछ ना कुछ इन्हें रिलीज़ करना है जो कि यूनिवर्स इनको गाइडेंस दे रही है। और इनके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं फुल मून पे, तो डेफिनेटली अगर इमोशंस हाई होंगे तो एक दो दिन बाद, तीन दिन बाद आपको इनका असर दिखेगा। या तो ये आपसे चिड़चिड़ कर सकते हैं किसी बात पे, या तो आपसे बात करके ईगो में ही बात करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। सबका तरीका अलग होता है, कुछ लोग प्यार से इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग गुस्से में भी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, उनके गुस्से में भी प्यार होता है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, ठीक है? तो फुल मून की एनर्जी बहुत ही प्यारी है, बहुत बैलेंस्ड हैं आप सब। लेट्स चेक मेजर अरकाना से, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेजर अरकाना, कलेक्टिव एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके दिल दिमाग में इस वक्त। नीड 5 कार्ड्स, ये खुद से नहीं गिरा है। नीड 5 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। सेकेंड कार्ड है डेथ। ओके, थर्ड कार्ड है टावर। डेथ और टावर की फ्रेंडशिप बहुत धांसू वाली हो गई है, ये लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं।
बहुत दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, बार बार डेथ एंड टावर, और इस ये आ रहा है, इसका असर भी आपको दिख रहा होगा आपके पार्टनर्स की लाइफ में। या तो वो सैड दिख रहे होंगे, या तो उनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होंगी जिसकी वजह से मे बी इमोशनली ब्रेक डाउन, या कुछ ना कुछ उनके लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा साइकिल रिलीज हो रही है। देखिए 1-2 कर्मा के कार्ड हैं एंड 1-2 एंडिंग के कार्ड हैं। एक तो अच्छा कार्ड दे दे एंजल्स। अवेकनिंग, इनकी अवेकनिंग चल रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यहाँ पर एंडिंग इस समय बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आपको फील हो सकती है इनकी, स्पेशली फुल मून। न्यू मून टू फुल मून, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एवरी न्यू मून टू फुल मून अवेकनिंग प्रोसेस होता है, और जब फुल मून आता है तो पीक पे होता है। पीक पे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में एक तरह से तोड़ने वाला काम करते हैं, जैसे किसी ने हैमर ले लिया हो, हथौड़ा, और तोड़ रहा हो। कब तक ईगो नहीं टूटेगा? जब ईगो टूटेगा तभी यूनिवर्स बख्शती है, जब तक इंसान इस एनर्जी में ना आ जाए, मोहमाया से मुक्त ना हो जाए बिल्कुल भी, कि नहीं अब तो कोई ईगो नहीं है, अब तो कोई लालच नहीं है, अब तो कोई एरोगेंस बिहेवियर नहीं है, अब तो कोई मतलब गलत कर्मा करना ही नहीं है लाइफ में, कभी कान पकड़ रहे हैं, वो वाली एनर्जी में ला के ही यूनिवर्स छोड़ती है, जिसी को हम डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टावर का कार्ड है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ या तो खुद ख़त्म करेंगे, या तो यूनिवर्स इनके लाइफ में ख़त्म कर रही है। द वर्ल्ड टफ जर्नी है, बहुत टफ है। अपने पार्टनर्स को ब्लेसिंग्स दें, मेडिटेशन में आप अल्लाह, भगवान, गुरुद्वारे, जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने पार्टनर्स को ब्लेसिंग्स भेजें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा साइकिल है, एंड तो करना ही है, कर्मा एंड करने ही आते हैं, हर इंसान कर्मा एंड करने आता है। हर्मिट, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, थोड़ा अलग अलग रह रहे होंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आए हैं ऐसे कार्ड्स आज की एनर्जी में? ये कार्ड्स देख के ही लग रहे हैं फुल मून की एनर्जी है। काश कि थोड़े से पॉजिटिव कार्ड्स भी आ जाते। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लाइफ में? क्यों आए हैं ऐसे कार्ड्स? द वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? माय गॉड, वर्ल्ड के बाद, देखो वर्ल्ड के बाद डेथ का कार्ड आया मेजर अरकाना से, राइट? वर्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। सो यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में एंड होने वाला है। एक जर्नी, एक पिनेकल, एक सिचुएशन, कुछ इनके लाइफ में एंडिंग्स दिख रही हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? थर्ड पार्टी, हैंग्ड पोजीशन, जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, कार्मिक्स है, स्पेशली थर्ड पार्टी कार्मिक्स, अगर ये किसी कर्मा साइकिल में है तो कार्मिक रिलीज हो सकते हैं। कार्मिक का मतलब जिनके इनके साथ में अकाउंट थे, कार्मिक अकाउंट, पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट, वो सब लोग धीरे धीरे इनसे दूर होते जाएंगे, और सिर्फ इनसे नहीं, आपसे भी दूर होंगे। आपके भी लाइफ में जितने भी कार्मिक्स होंगे वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आपसे दूर हो गए होंगे, और जैसे ही आप अवेकन हो गए होंगे वापस आपके लाइफ में आ गए होंगे। वापस इसलिए आते हैं कि मतलब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उनको खींचती है, आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हो तो वो भी अपने आप को असेंड करना चाहते हैं आपके थ्रू। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है क्लियरली एंड होते हुए। इनके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी सिचुएशंस थी, जो भी इनकी बैड हैबिट्स थी, या जिसकी भी वजह से आप दोनों सेपरेशन में हैं, यहाँ पर यूनिवर्स उस चीज़ पर, उनकी उस वीक पॉइंट पर प्रहार कर रही है। लेट्स चेक, टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? न्यू बिगिनिंग,
टावर मोमेंट आएगा उसके बाद ही केयरफ्री होके एक नई शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर्स। तो यहाँ न्यू बिगनिंग दिख रही है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके पार्टनर किसी तरह की नई शुरुआत करने वाले हैं बहुत जल्द। न्यू बिगनिंग द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है करंट एनर्जी में, एक और कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्ट्रेंथ में आके पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ आपके पार्टनर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग स्ट्रेंथ में, टोटली एक नई शुरुआत। स्टेबिलिटी ऑफर हो सकती है आप में से ज़्यादातर लोगों को, कमिटमेंट ऑफर हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, क्यों इतना आइसोलेट हैं, ओके आपसे बात नहीं हो रही है। कर्मा, अपने कर्मा रिलीज करके ही आपसे बात करना चाह रहे हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, मिस कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कोई गलत काम किया है, अगर आपको हर्ट किया है, अगर आपको चीट किया है, या आपको वादा करके मुकरे हैं, तो ये आपसे बात करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर्स। तो बहुत जल्दी आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं आपके पार्टनर्स के। लेट्स चेक कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन। न्यू बिगनिंग, पैशन इग्नाइट, टावर सीधा गया है महादेव के चरण में। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ टावर मोमेंट, जैसा कि मेजर अरकाना में भी आया, यहाँ पर भी आ गया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी इनके लाइफ में आने वाले टाइम में। डेस्टिनी, ओके इसे ऐसे रख देती हूँ, आपको सब दिखाई देगा, फाइन। तो यहाँ पर ये दिख रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन, कि ये आपके तरफ सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करते रहना है, मैनिफेस्ट करें, मजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट करें डेली बिफोर स्लीप, रात को सोने के पहले ज़रूर से अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। पावर स्ट्रेंथ में है इस वक्त आपके पार्टनर्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसीजंस लेने वाले हैं। डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में है, जो पास्ट लाइफ में किया है वो रिलीज़ होगा, और जो आगे आने वाला है वो आएगा, एंट्री करेगा, एक नई शुरुआत होगी, लेकिन नई शुरुआत के पहले एंडिंग होगी। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई करें एंजल्स। टावर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। अगर मैरिड हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, तो शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके, थर्ड पार्टी, अगर मैरिड हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है विद टू ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ भी ये जगल कर रहे हैं, जिस भी मैरिज में जगल कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ हो सकता है इनके लाइफ में। साथ ही साथ अगर सिंगल हैं आपके पार्टनर, अभी तक मैरिड नहीं हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी शादी कराना चाह रही हो, मे बी पेरेंट्स, अरेंज मैरिज, या जो भी इनके ऊपर बर्डन लादने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ब्रेक थ्रू आएगा। सो टावर को क्लैरिफाई किया है मैंने। लेट्स चेक कि डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी क्यों आया है। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलनी है, क्लियर कम्युनिकेशन होगा आपके साथ। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। वैसे यहाँ वन भी बहुत सारा आया है, वन 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 वन, सो वन एंड सिक्स इम्पॉर्टेंट है। विद इन अ वीक, ऑलमोस्ट सिक्स डेज इज़ नियर अप्रॉक्स अ वीक, तो एक हफ्ते के अंदर या एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, और इस वीडियो के दौरान आप में से कई लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है,
सक्सेस का कार्ड क्यों आया है? वेटिंग फॉर सक्सेस, ये सक्सेस चाहते हैं। विजडम, इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है, इनको समझ में आ रहा है कि क्या करना है लाइफ में, क्या डिसीजन लेना है। मैरिज का डिसीजन, द हेरोफेंट, शादी में सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा आपके लाइफ में, सक्सेस आपको मिलेगी। लास्ट कार्ड, पैशन इग्नाइट क्यों आया है? नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो बैलेंस होंगी, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और कुछ नहीं। बैलेंस में रहिए, इनर वर्क करते रहिए। एक और कार्ड मैं क्लैरिफाई करूँगी, अवेयरनेस। मजिशियन का कार्ड क्यों आया है? ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और आपको, ये तीन चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक पैसे को लेकर, और दूसरा आपको लेकर। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो आपको होप रखना है, पॉजिटिव रहना है, बैलेंस में रहना है, इनर वर्क करते रहना है। फुल मून की एनर्जी है, इम्बैलेंस होना नहीं है आपको, बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है? अच्छा सोचिए, जब भी आपको लगे कि आपको हैवी फील हो रहा है या नेगेटिव फील हो रहा है, कोई ना कोई म्यूज़िक लगा लीजिए, गाना सुनिए, या आपको सबलिमिनल पता होगा, अगर सबलिमिनल, मैं अक्सर वाटर का सुनती हूँ, जैसे पानी बहता हुआ, तो आप यूट्यूब पे सबलिमिनल सुन सकते हैं, कोई भी एक मंत्र सुन सकते हैं, रेड तारा मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र, या महादेव का कोई मंत्र, जो भी मतलब आप चाहें। तो इस तरह की आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखते हैं एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। फॉरगिवनेस, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको माफ़ी मिल सकती है, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, दुनिया ने आपके साथ गलत किया है, तो आप सबको माफ़ कर दीजिए। रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटीज़। सक्सेस आपको मिलने वाली है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया भी था नेक्स्ट एक्शन में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई मुश्किल है जो आप किसी से डिस्कस करें और आपको हल मिल जाए, तो ज़रूर डिस्कस करिए। एंड द लास्ट कार्ड इज़ मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन करते रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। यू आर रेडी, बिल्कुल आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप में। आपको सक्सेस भी मिलेगी और नेगेटिविटी जो भी है आपके अंदर, अगर आपने किसी के लिए दुश्मनी पाल रखी है या किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो ये सब रिलीज़ कर दीजिएगा फुल मून में। सबको माफ़ कर दीजिए, पूरा अपने इनर को क्लीन करिए, राइट? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कोई मैसेज इम्पॉर्टेंट मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ ना कुछ बड़ा होगा आपके पार्टनर की लाइफ में। टावर मोमेंट, बी काम, उन्हें उनका हालचाल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप हालचाल लेने पहुंच गए और आप उन्हें और डिस्टर्ब कर दिए। एक तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपको इस समय बिल्कुल दूर रहना है उनसे, बिल्कुल एकदम अपने आप को डिटैच रखिए। जब तक उनका खुद मैसेज ना आए, सामने से कॉल मैसेज ना करिएगा, ठीक है? वरना वो आपको अगर रिस्पॉन्स ना दिए तो आपको और बुरा लगेगा। इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो। रेडी टू टेक एक्शन, आपके पार्टनर धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए। इस समय बिल्कुल अपने में रहिए, कुछ भी उनको गाइड करने की या उनको आपको इंटरफेयर करने की यूनिवर्स की डिवाइन इंटरवेंशन में ज़रूरत नहीं है। चक्रा हीलिंग, अपने चक्रा को बैलेंस करें, पॉजिटिव रहें, चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, हो सकता है कुछ लोगों के कुछ ड्रीम्स हैं लेकिन वो कुछ प्रैक्टिकल प्लान नहीं बना रहे हैं, सिर्फ मन में सोच कर बैठे हैं, तो अगर आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो ज़रूर करें। अक्टूबर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अक्टूबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाला अक्टूबर, बहुत सारे रियूनियन होंगे अक्टूबर नवंबर में। एंजल नंबर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। मास अवेकनिंग चल रही है,
ज़्यादातर लोग अवेकन हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी पर्पस पे लगाना है प्रभु को, भगवान को। विश फुलफिलमेंट, आप में से ज़्यादातर लोगों की कुछ विशेज़ हैं जो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। एंड द लास्ट नंबर इज़ 333। हो सकता है 333 नंबर आप में से ज़्यादातर लोगों को इस वक्त दिख रहा हो, या फिर 222। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटी पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइडेंस देती है तो ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।